वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमूव MIUI एड, यानी कि इस फोन से अनवांटेड एड्स को कैसे हटाया जाए। इन सारे एप्लीकेशन को उपयोग करते समय हमको एड्स दिखाए जाते हैं, तो यहाँ से एड्स को हटाने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स को खोलने के बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नेक्स्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है, फिर से हम नीचे जाएंगे। नेक्स्ट प्राइवेसी में जाना है, उसके बाद यहाँ से यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को डिजेबल कर देंगे। नेक्स्ट सेंड डायग्नोस्टिक डाटा ऑटोमेटिकली ऑप्शन को भी डिजेबल कर देंगे। उसके बाद ऐड सर्विस में जाना है, फिर हम पर्सनलाइज्ड ऐड रिकमेंडेशन को डिजेबल कर देंगे। उसके बाद बैक आइए, यहाँ पर प्राइवेसी के आगे ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन पर क्लिक करना है। ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन को खोलने के बाद यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन का सर्विस इनेबल रहेगा, लेकिन इनमें से हम MIUI सिस्टम ऐड यानी कि MSA सर्विस को डिजेबल कर देंगे। यहाँ से डिजेबल होने में मैक्सिमम 10 सेकंड तक समय लग सकता है, उसके बाद यहाँ पे रिवोक कर देना है। फोन सेटिंग से ऐड को डिजेबल करने के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी को खोलने के बाद राइट टॉप कॉर्नर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लीनर के अंदर जाना है, फिर यहाँ से रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद बैक आइए, फिर नीचे की तरफ और एक रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे भी डिजेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिमाग को धाई करने वाला गेट ऐप्स का ऑलमोस्ट सारे परमिशन को डिजेबल करना पड़ेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन बार में हम लोग को परेशान करते रहेगा। तो गेट ऐप्स को खोलने के बाद यहाँ पे मी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, फिर अपडेट नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद वापस आके गेट ऐप्स पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने से ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, तो हम ऐप इन्फो में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से नोटिफिकेशन को हाइड कर देंगे। इन तीनों ऐप्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पर ऐड दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से शो रिकमेंडेड कंटेंट को हम ऑफ कर देंगे, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद बैक आइए, नेक्स्ट म्यूजिक में जाना है। म्यूजिक में भी कभी कभी ऐड आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ से हम शो एड्स एंड शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑन स्टार्टअप को ऑफ कर देंगे। उसके बाद बैक आइए, नेक्स्ट थीम्स में जाना है। थीम्स को खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको माई पेज में जाना है। नेक्स्ट सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन ऑफ करना होगा, शो एड्स एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, इन 2 ऑप्शन को ऑफ करना होगा। उसके बाद बैक आइए, नेक्स्ट फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद अबाउट में जाना है। यहाँ पर भी एक रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसे भी आपको ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैक आइए, कभी कभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय वहाँ पर ऐड दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करूँगा उस इंस्टॉल पेज में एक ऐड आएगा, उस ऐड को ऑफ करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स को खोलने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिसीव रिकमेंडेशन, इसे भी ऑफ कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ऐप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे ऐड नहीं दिखाएगा, फिर से हम बैक करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन फोल्डर का ऐड्स को हम ऑफ करेंगे। कभी कभी इन सारे एप्लीकेशन के नीचे प्रोमोटेड ऐप्स का एक ऐड आ जाते हैं, इसे ऑफ करने के लिए ये जो फोल्डर का नेम दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोमोटेड ऐप जो ऑन है इसे हम डिजेबल कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से अब आपके फ़ोन पर MIUI ऐड्स को डिजेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।